जय हिंद दोस्तों। उम्मीद है आप लोग बहुत ही बेहतर कर रहे हैं अपने जीवन में, और सबसे इम्पोर्टेंट कि आपकी पढ़ाई बिल्कुल अच्छी चल रही है। अभी बहुत सारे एग्जाम्स होने हैं आने वाले वक्त में, उसी कड़ी में आपकी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए मैं आया हूँ, और 10 सवाल आज इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैथ्स के लेकर आया हूँ। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको आने ही चाहिए, क्योंकि जो लेवल आजकल TCS पूछ रहा है डिफरेंट एग्जाम्स में, चाहे वो कोई भी एग्जाम आपने हाल फिलहाल का दिया हो या आप देने वाले हो, तो आपको ऐसे सवालों से रूबरू होना ही चाहिए, और ये सवाल आप विद इन सेकेंड्स सोल्व कर पाने में सक्षम भी रहने चाहिए। तो अगर आपको आता होगा तो आप जल्दी कर लेंगे, और नहीं आता होगा तो फिर मैं आपको सिखाऊंगा, और आप सीखने के बाद इस वीडियो को दोबारा जब देखते हैं तो एक एक क्वेश्चन आपका 15 से 20 सेकंड के अंदर होना चाहिए। तो बिना देरी करे आज इस क्लास का पहला सवाल बोर्ड मास से सिंप्लीफिकेशन का हमने लिया है, और ये जितने भी क्वेश्चंस हैं अभी रिसेंट एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। मैं आपको ये भी बताता हुआ चलूंगा कि कौन सा क्वेश्चन किस एग्जाम से पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन है CGL 2021 का, जो हुआ था अप्रैल 2022 में, और ये सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है 12 अप्रैल का। ठीक है जी, तो अब इस तरीके का सिंप्लीफिकेशन पूछने लग रहा है, लेकिन जिन बच्चों को आता है तो वो इसको जल्दी भी कर सकते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से करना है। सबसे पहले आपको दिमाग में आना चाहिए बोर्ड मास। बोर्ड मास में सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं और फिर ऑफ को सोल्व करते हैं। अब ऑफ अगर ध्यान से देखें तो यहां पर मुझे मिलता है इनके बीच में, तो हम डिवाइड नहीं करेंगे, पहले इस ऑफ को सोल्व करेंगे। ऑफ को सोल्व करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले मैंने ये वाला बार जो सिंबल है ना, इसको सोल्व किया, यानी 4 में से 2 गया, कितना बचा 2। इस 2 की मल्टीप्लाई हुई 6 के साथ तो कितना हो गया, ये जल्दी से बोलो 12। 12 और ये 9 ऐड होने पर कितना आया, जल्दी से बोलो 21। तो सीधे सीधे मैं ये कह सकता हूँ 9/3/7 ऑफ 21। तो सबसे पहले हम इस ऑफ को सोल्व करने वाले हैं। ये कट गया 3 पे, 3 3 9, और 9 को जब 9 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। तो इतनी कहानी आ गई मेरे समझ में कि जो ये पोर्शन है इसकी वैल्यू है 1 प्लस। अब इसके अंदर के ब्रैकेट को देखते हैं, ठीक है। अब सबसे इनर वाले ब्रैकेट को देखो, यहाँ पे नीचे जो आप देख रहे हो 16, कोशिश करो कि ये भी 16 हो जाए। तो अगर 8 को 16 बनाएंगे तो 5 को 10 बनाना पड़ेगा, डबल डबल करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो 10 और 6 हो जाएंगे 16। कहाँ पे, यहाँ पर 10 सोच रहा हूँ और यहाँ पे 6 है, तो 16 हो गया। 16/16 कितना होता है बोलो, 1। तो क्लियर, अंदर वाले ब्रैकेट से मेरे को कितना मिला भाई, 1 मिला। अब देखो यहाँ पर डिविजिबिलिटी है, तो 1/5, डिविजिबिलिटी से 25/7 हो गया, माइनस का है 1। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, जल्दी से बोलो हाँ या ना। अच्छा यहाँ पे 5 है, तो 5 से 25 5 पे गया, 5/7 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 1 -2/7, 1 -2/7 ये मिला मुझे पूरा का पूरा न्यूमरेटर। अब डिनोमिनेटर पे आ जाओ, डिनोमिनेटर बहुत इजीली आप सॉल्व कर लोगे बिना पेन के। देखो यहां से बताओ कितना आया होगा, 6। जब यहां से 6 मुझे मिला तो उस 6 ने 24 को डिवाइड किया और कितना आया फिर, 4। इतने की वैल्यू मुझे मिल गई, कितनी आई जल्दी से बोलो, 4 प्लस। 36 को ऐसे ही रहने दो और इस पूरे को देखो एक साथ। सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करो, ब्रैकेट में सबसे पहले डिवीजन को सोल्व करो। यहाँ से आएगा 5, 5 और 5 10, 10 में से 1 गया 9, 9 से जब हमने 36 को डिवाइड करा तो फिर से आया 4, 7 में से 2 गया, कितना बचता है जल्दी से बोलो, 5, डिवाइड में आया 7, और ये दोनों ऐड होकर हो जाएंगे 8, 7 8 जो होता है 56। तो 5/56 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब अगर आपको ये सवाल समझ में आया होगा तो आप इस सवाल को बहुत जल्दी भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सिखाता हूं मैं अब आपको, नहीं आया हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। ये चलिए आप एक बार मैं और बता देता हूं, आपको समझ में आना चाहिए। सबसे पहले देखो जिसको मैं हाईलाइट करूं उसको देखना, क्योंकि अब मैं मिटा मिटा के करने वाला हूं। सबसे पहले मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, आप लोग बताओ यहां पे कितना दिख रहा है, 4 में से 2 गया 2, मैंने इसको मिटा के यहां पे लिख दिया कितना, 2। अब बताओ पहले क्या होगा, अब मल्टीप्लीकेशन होगा, 12, 12 एंड 9 कितना हो जाएगा,
21। तो मैं अब क्या करने वाला हूँ, इस पूरे को मिटा के यहाँ पे 21 लिख देता हूँ, चलेगा? बोलो दौड़ेगा कि नहीं दौड़ेगा। 21 लिख दिया। अब देखो ऑफ है, ऑफ को पहले सॉल्व करते हैं, इसका मतलब 7 से 21 कितने पे गया, 3 पे। अब इस 3 ऑफ 3 का मतलब हुआ 9, क्या मतलब हुआ जल्दी से बोलो, 9। तो क्या मैं लिख सकता हूँ 3 ऑफ 3 की जगह पे एग्जैक्टली 9 लिख देते हैं, ये लो जी 9 लिख दिया। 9 डिवाइडेड बाय 9, 9 डिवाइडेड बाय 9 कितना होता है बोलो, 1 होता है। कितना आ गया, 1 आ गया। यहां तक की कहानी एकदम से क्लियर है, यहां तक 1 आ चुका है। अब अंदर देखो, इसके अंदर में मैंने क्या किया, सबसे पहले इसको सॉल्व किया। इसको सॉल्व करने के लिए क्या मैं 5/8 को एलसीएम लेना पड़ेगा, नहीं तो क्या मैं 5/8 को 10/16 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब जब बेस सेम है, जब ये बेस सेम है, तो फिर न्यूमरेटर डायरेक्ट ऐड हो जाएगा। जब न्यूमरेटर डायरेक्ट ऐड होएगा तो कितना आएगा जल्दी से बोलो, 10 एंड 6 16। तो क्या अब मैं इस पूरे को मिटा के यहाँ पे 16/16 लिख सकता हूँ? और 16/16 होता कितना है जरा बताओ, 16/16 होता है 1। अब देखो जब मैं इस डिवाइड को चेंज करूंगा ना, जो भी ब्रैकेट के अंदर में यहां पर है, हाईलाइट करके बता रहा हूं, तो हम यहां इस डिवाइड को हटा के क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई लिखेंगे, और 7/5 को पलट देंगे। जो नियम होता है मैं आपको वही बता रहा हूं, आपको वैसे ही करना है पेपर में। 7/25 को जब पलटा तो ये ऊपर आएगा कितना, 25, और नीचे रहेगा 7। 5 से ये 25 5 पे कटेगा। तो अब न्यूमरेटर अलग से लिख लेते हैं, 1 + 5/7 बचा, माइनस का 1 है। बोलो समझ में आया, इतनी बात समझ में आई? अब चाहे तो इस 1 से इसको काट दो। हर बार तरीका आप कुछ और ही करोगे, मतलब अगर एडिशन पहली स्टेप में कर रहे हो सकता है जब दोबारा सॉल्व करने लगो तो पहले आप सब्ट्रैक्शन कर लो, कोई फर्क उससे पड़ता नहीं है। यहाँ पे कोई प्लस और माइनस के अलावा ऑपरेटर है ही नहीं, तो एज इट इज 5/7 रह गया। अब देखो डिनोमिनेटर को, डिनोमिनेटर ऊपर से ही छोटा करके लेकर आता हूं मैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, इसको डिवाइड कराया, डिवाइड कराया तो कितना आया इधर, 5 आया। अगर मैं यहाँ पे 5 लिख देता हूँ तो किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी के कोई पेट में दर्द नहीं हुआ, बिल्कुल इजीली समझ में आया, 5 और 5 10 में से 1 गया, कितना बचा, 9। जब इधर 9 बचा तो ये ब्रैकेट के अंदर ही 9 बचा होगा, तो इस पूरे ब्रैकेट को हटा के क्या मैं यहाँ पे 9 लिख सकता हूँ, बोलो हाँ या ना? अब इस पूरे एक्सप्रेशन में पहले आएगा डिवीजन, डिवीजन यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, ठीक है समझ में आ रहा है? लेकिन इस डिवीजन को देखने से पहले ऊपर एक बार का साइन देख लेना, उस बार को भी सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप देखो ये बार को सोल्व करोगे तो हमने लिखा 24 डिवाइड में 16 में से 10 गया, कितना बचता है बोलो, 6। प्लस यहाँ पर ओनली डिवीजन थी जो हम सोल्व करते हुए ला रहे थे, तो यहाँ आया 4। 6 से 24 को जब हमने डिवाइड किया तो यहाँ मुझे मिला 4 + 4, 4 और 4 कितना होता है, 8 होता है। 5/7 × 8 होकर ये हो जाएगा 5/56। मैं उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ गया है। तो अब देखो सेकंड क्वेश्चन, रीजनिंग का क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार सवाल है, और ये आया हुआ है आपके D++B JSO करके एक पेपर हुआ था, ठीक है, उसमें आया हुआ है। तो जल्दी से बताएंगे इसका आंसर, इन्हीं 4 ऑप्शंस में से एक होना है। या तो अब देखो 3 × 3 की मैट्रिक्स है, मैंने इसकी चैप्टर भी आप लोगों को करा रखा है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके मिसिंग नंबर सर्च करके इसको कर सकते हैं। तो अब या तो हम हॉरिजॉन्टल चलेंगे मीन्स रो वाइज, या हम वर्टिकल चलेंगे। तो अगर मैं इसको रो वाइज देखता हूं तो 64 और 80 कितना होता है जल्दी से बोलो, 144। और अगर मैं इस पे रूट लगा दूं तो जो भी नंबर मुझे मिलेगा क्या वो मेरा थर्ड नंबर 12 है जो मैंने अभी हाईलाइट किया है, बोलो हाँ या ना? सेम सिमिलर मैनर में
25 और 11 को जब ऐड करते हैं तो 36 आता है, 36 पे रूट लगाने पर कितना आता है, 6 आता है। ऐसे 164 और 125 को जब अपन ने ऐड किया होगा तो 289 हो गया होगा, और 289 किसका स्क्वायर रूट अगर करेंगे तो क्या आएगा, जल्दी से बोलो। 289 के स्क्वायर रूट पे 17, 17 का स्क्वायर ही तो होता है 289। तो सेकंड क्वेश्चन भी इजी था। अब देखो थर्ड क्वेश्चन, ये मैं बता देता हूं कौन से एग्जाम में आया, ये आया यूपी लेखपाल में। तो बच्चों हम सारे क्वेश्चंस को कराने की कोशिश कर रहे हैं जैसे पेपर में आजकल आने लग रहे हैं, और सेम टाइप पे मोड का क्वेश्चन जीडी के पेपर में भी पूछा है। मोड क्या होता है? मोड होता है जो किसी भी नंबर सीरीज जो भी आपको दी जा रही है बारंबारता के अकॉर्डिंगली, उसमें सबसे ज्यादा बार अपीयर हुआ, सबसे ज्यादा बार आया। ऑप्शंस में 3, 4, 6 और 7, तो केवल तीन को ही देखो। एक बार आ गया, दो बार आ गया, तीन बार आ गया, चार बार आ गया। तीन आता है कितनी बार? चार बार। चार को देखो, एक दो तीन, चार आया कितनी बार? तीन बार। ऑप्शंस में छह भी दे रखा है, लेकिन छह आया कितनी बार? एक बार। ऑप्शन में सात दे रखा है, सात आया कितनी बार? दो बार। कहाँ कहाँ पर लिखा हुआ है ये देखो, ये लिखा हुआ है। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। तो जो सबसे ज्यादा बार आया वही आपका है मोड। वही क्या है आपका, जल्दी से बोलो, मोड। तो हमारे इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा 3। 3 इज द मोड ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 3। नो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार सवाल है। अब मैं आपको ये बता देता हूँ ये कब पूछा था। ये पूछा था सीजीएल 2022 में जो मेंस का एग्जाम कंडक्ट हुआ था उसके अंदर ये क्वेश्चन आया था। ठीक है जी, 2019 वाला था शायद ये, या 20 वाला, देख लीजिएगा। ये आपके सीजीएल के अंदर पूछा जा चुका है। तो अब ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए 10th क्लास बिल्कुल बेसिक्स से आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। आपने क्वेश्चंस किए हो आरडी शर्मा वगैरह से, जो उनकी एक अलग से बुकलेट आती है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, वो आपने लगाई हो, तो आप इजीली ऐसे क्वेश्चंस इस साल के एग्जाम्स के लिए कर लेंगे। लेकिन चिंता की जरूरत नहीं है, आपको वो किताब अलग से खरीदनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने 9th और 10th किताब जो है पूरा पीके गर्ग आरडी शर्मा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो चलती हैं ये हमने पूरी की पूरी स्कैन करवा ली हैं। अब उनमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इस साल पूछे जा सकते हैं वो आपको कराए जाएंगे, अलोंग विद दोस क्वेश्चंस जो कि इम्पोर्टेंट हैं, जो पूछे गए हैं रिसेंट ईयर्स में अलग अलग एग्जाम्स में, चाहे फिर वो रेलवे का पेपर रहा हो या रहा हो एसएससी का, आईसीएआर का, असिस्टेंट का, कोई भी एग्जाम। चलो अब इस सवाल पे आएंगे, रैशनलाइजेशन करना है। हम इसको डायरेक्ट रूट के बाहर कब ला सकते हैं? ओनली एंड ओनली इफ यहाँ पे इवन नंबर हो, क्योंकि अगर इवन होगा तो फिर ये 2ab बन जाएगा। इसका मतलब समझो, जब तुम इसको सोल्व करके लाओगे तो यहाँ कुछ ऐसी फॉर्म आएगी, BA√3/11। यहाँ बी और ए की जगह कोई भी नंबर हो सकता है। तो बेसिक्स पे आना है। बेसिक्स क्या कहता है? बेसिक्स कहता है हम जब भी ऐसा सवाल करते थे स्कूल में, तो जो डिनोमिनेटर है उसको हम साइन बदल के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड करते थे। चलो मैंने इसको साइन चेंज किया, 14 है तो यहाँ पे माइनस का 5√3 आ जाएगा। ठीक है, अब डिवाइड में इसको मैं लेके जाता हूँ, सेम वैल्यू मैं यहाँ पे भी लिखूंगा, 14 - 5√3। अब ध्यान से समझना, यहाँ पे भी रूट लग रहा है, यहाँ पे भी रूट लग रहा है, तो ये दोनों वैल्यू रूट के अंदर लिखी जा सकती हैं। जब ये दोनों वैल्यू रूट के अंदर लिखी जाएंगी तो कुछ ऐसा सीन बनेगा। तो यहाँ पे हमने लिखा 26 - 7√3 और 14 - 5√3। आप लोगों ने 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास में ऐसे सवाल भर भर के कर रखे हैं। ठीक है, अब या तो फर्रे भरे होंगे, फर्रे नहीं भरे होंगे तो कॉपियां भरी होंगी। चलो नीचे भी हमने रूट में लिख लिया 14 + 5√3 और यहाँ पर 14 - 5√3। तो एक चीज तो क्लियर है कि अब डिनोमिनेटर में हर के अंदर आपका एक फॉर्मूला यहाँ पे लग रहा है, वो है a+b और a-b। न्यूमरेटर में आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
चलो इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप चलने की कोशिश रहेगी। इसको एक लाइन खींच देते हैं, यहाँ पे लिखेंगे अब इसके बाद, कलर भी चेंज कर लेते हैं। चलो देखो, जब हमने 26 की मल्टीप्लाई करी 14 से, तो 14 से 14 छः 84 हासिल लगेगा, 8 14 दूनी 28 और 8 36। अब देखो 26 की मल्टीप्लाई 5√3 से कर रहा हूं मैं, ठीक है, 26 पंजे 130। अब ध्यान से समझना, माइनस का 5√3 बच गया, मल्टीप्लाई करनी तो आती है ना तुम लोगों को, माइनस का ये 7√3 बच गया। इसकी मल्टीप्लाई पहले 14 से करो तो माइनस में ही आएगा, माइनस में आया तो कितना आया जल्दी बोलो, 98√3। अब माइनस माइनस प्लस होके 7 5 35 और गुणा में 3 35 दिया कितना होता है 105। 105 कैसे आया होगा मैं हाईलाइट करके बता सकता हूँ तुम लोगों को, ध्यान से देखना। जब हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं 5√3 से, तो ये वैल्यू आ जाएगी 105। अब डिनोमिनेटर की बारी है, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, है ना, डिनोमिनेटर सही से लिख लो, 14 + 5√3, 14 - 5√3 मीन्स a² - b² 14 का स्क्वायर होता है 196, माइनस 5 का स्क्वायर 25, 25 दिया आ गया 75। यहाँ दोनों पे रूट लग रहा है। अब ध्यान से देखेंगे भाई, ये जो दोनों वैल्यूज हैं ये तो डायरेक्ट टू डायरेक्ट ऐड हो जाएंगी, कितनी ऐड होके आ रही है जल्दी से बोलो, 228√3। लेकिन अगर आप यहां देखो इसको, तो आप इसको दिखेगा आपको 2ab की फॉर्म नजर आएगी। अब 2ab लाने के लिए 228 के जो फैक्टर्स की बात होगी, 228 में एक फैक्टर मिलेगा 19, कितना मिलेगा 19, क्योंकि जब हमने 2 से डिवाइड किया तो 19 से, देखो एक तो फैक्टर है 19, है या नहीं है जल्दी से बोलो, बिल्कुल है, तो 19 का स्क्वायर सोचो आप क्या होता है, क्योंकि वही तो बनेगा ए स्क्वायर, 19 का स्क्वायर ही तो दोस्तों ए स्क्वायर होगा, 19 का स्क्वायर होता है 361। तो 364 में हमने 361 लिख लिया, जो इधर का 3 बचा वो हमने 105 के पास भेज दिया, तो ये हो गया जी 108। अब 108 जो है उसको भी हम बी स्क्वायर की फॉर्म में लेना चाह रहे हैं, तो बी की वैल्यू यहाँ पर रही होगी दोस्तों √108। अब 12 निम्मा 108 होते हैं, आप इसको ऐसे फैक्टराइज कर लो, 4 3 12 होता है, 4 3 3 और 3 ऐसे लिख सकते हैं। थोड़ा सा दोबारा लिख देता हूँ, 12 को लिखेंगे 4 3 12 और 9 से कितना बाहर आ चुका होगा, 3 बाहर आ चुका होगा, 4 से भी कितना बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6, 6√3 का स्क्वायर सोच के देखना, यही बात आएगी। और यहां पर किसका स्क्वायर हुआ है जी, 19 का स्क्वायर हुआ है, तो अब ये हटा दिया मैंने और अब ये बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में है। नहीं समझ में आए तो पूछ लेना, कोई समस्या नहीं है, मैं बता दूंगा। 6 में से 5 गया 1, 9 में से 7 गया 2, 121, और 121 किसका रूट होता है भाई, 11 का होता है। तो इतना तो कंफर्म है कि अब आप लोग इस सवाल को बिल्कुल ठीक ही कर रहे हो, गलत की कोई गुंजाइश थी ही नहीं इसमें, क्योंकि तो जब आप इसको सॉल्व करके फाइनल पहुंचोगे ना आंसर पे, तो यहाँ पे आपका 11 ही आएगा, आ चुका है। अब बस मेन बात आ गई है कि ऊपर क्या आया होगा, a - b² मतलब 19 - 6√3² जब लिखेंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो ये जो वैल्यू आएगी ये एग्जैक्टली मैं लिख सकता हूं b + a√3 के बराबर होगी, और डिवाइड में 11 भी है। इजिली आइडेंटिफाई कर लो, कर पाओगे अब आप कि जो 19 है वो हमारा b है, और इसको कलर को चेंज कर देते हैं आप लोगों के लिए, चले पर्पल ले लेते हैं। यहाँ पे a की वैल्यू जो है 6√3, यहाँ पे a√3, तो क्लियर क्लियर दिख गया कि a की वैल्यू 6 और b की वैल्यू 19, ए की वैल्यू 6 और बी की वैल्यू 19। ये रफ वर्क था, इसको ठिकाने लगा देते हैं, ये अपना आप किसी काम का नहीं बचा, SSC भी रफ शीट जमा करवा लेती है, कोई बात नहीं। बी की वैल्यू 19 और ए की वैल्यू आई हमारे पास 6, रूट लगाना है बस हमने, 19 में से 6 गया कितना आया 25। अच्छा यहाँ पे ना माइनस का 6 आएगा, 25 मैंने इसीलिए लिखा है, क्यों देखो ध्यान से,
जब हम इसको कंपेयर कर रहे हैं तो दैट शुड बी बी प्लस ए रूट थ्री, लेकिन ये माइनस का साइन है। कहाँ पे माइनस का साइन है? यहाँ पे। तो क्या मैं इस चीज को अगर प्लस की फॉर्म में लिखूंगा तो क्या मुझे ऐसे नहीं लिखना चाहिए? माइनस है तो 19 प्लस और फिर माइनस का 6√3। बोलो हाँ या ना? तो ए की वैल्यू जो होगी वो माइनस का 6 हो जाएगी। जब ए की वैल्यू माइनस का 6 होगी तो यहां पे आ जाएगा प्लस का 6 और ये हो जाएगा 25। और 25 अगर हो गया तो रूट हटने के बाद आ जाएगा उत्तर 5, जो इस सवाल का बनेगा सही आंसर। अब आप में से ना कुछ बच्चे कहेंगे पेपर में कैसे करेंगे, ऐसे ही करेंगे? तो मैं बोलूंगा बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, और कोई तरीका नहीं है तुम्हारे पास। अगर नौकरी लगना है ना तो भाई ऐसे ही करना पड़ेगा, इस सवाल को तो ऐसे ही करना पड़ेगा। जहां पे ट्रिक आएगी वहां पे मैं आपको डायरेक्ट टू डायरेक्ट भी बताऊंगा। इसी चैप्टर के अंदर मैं बात कर रहा हूँ। और इस बार पता है जब ये जिस पेपर का सवाल है उस पेपर में एक नहीं था, ऐसे दो सवाल थे, सीधे सीधे 4 नंबर की बात आ रही थी। अब तो सवाल 3 नंबर का आएगा मेंस के अंदर। खैर जब आएगा तो उसको भी देख लेंगे। आ जाते हैं अब हम अपने अगले सवाल पे। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखी है, आपको ये बताना है कौन सी क्लास में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। और बच्चा ये देखते ही क्वेश्चन को छोड़ के आ गया, क्योंकि उन्होंने तो लगा कि ये स्टेटिस्टिक्स का क्वेश्चन है। बिल्कुल है। कब पूछा था? यूपी लेखपाल में पूछा था। कौन से साल में पूछा था? 2021 के पेपर में पूछा था। ठीक है, तो अब समझो बात को, 21 या 22, 22 में भी हुआ है, तो इन्हीं में से किसी एक एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन। पूछ रहा है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, सीएफ दे रखा है आपको। तो अब ये सीएफ क्या होता है? सीएफ बताता हूं क्या होता है। सीएफ होता है जब हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान के चलो मैं आपको दे देता हूं कुछ क्लास, क्लास की मैंने आपको दे दी फ्रीक्वेंसी, ये एग्जाम्पल है। ठीक है, अब क्लास की मैंने आपको कोई फ्रीक्वेंसी दे दी, तो जो फ्रीक्वेंसी होगी ना उसको हम एफ आई लिखते हैं और क्लास को हम लिखते हैं एक्स आई। अगर हम बात कर रहे हैं क्लास 10 से 12 की, एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं, ठीक है, 10 से 12, 13 से 15, 15 से सॉरी 16 से 18, उसके बाद 19 से 21, इतना ही लिख लेते हैं। अब मैं इस डेटा को नहीं ले रहा क्योंकि मैंने बोला ये एग्जाम्पल है। अगर मैं एफ आई पे कोई भी वैल्यू दे देता हूँ 3, 5, 10, 6, तो जो सीएफ होगा ना, सीएफ होगा कि आप यहाँ पे लिखोगे कितना, 3, 5 की जगह पे आप लिखोगे 5 के ठीक सामने ऊपर वाली वैल्यू को जोड़ के, इन दोनों को जोड़ के लिखोगे। 5 और 3 कितना हो गया, जल्दी से बोलो, 8। अगली जो वैल्यू आएगी वो अगली दोनों को जुड़कर आएगी, जैसे कि ये वाला था ना 8, इस 8 में ये 10 जुड़ जाएगा, कितना आया जल्दी से बोलो, 18। अब इस 18 में ये वाला 6 जुड़ जाएगा, कितना आया, 24। तो इस तरीके से जो सीएफ की वैल्यू होती है वो बढ़ती ही चली जाती है, उसमें कोई भी एलिमेंट आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि जो घट गया है। तो अब अगर मैं इस सवाल की बात करूं तो इस सवाल में भी ऐसा ही हो रहा है, 3, 8, 15, 25 और 33 ये दे रखा है। अब बच्चे ने पता है क्या देखा होगा, तुक्के में आंसर सही भी निकल सकता है कई बार। उसने देखा कि किस वर्ग की बारंबारता अधिक है, उसने देखा 33 सबसे ज्यादा लिखा हुआ है और वो 22 से 24 में है, तो 22 से 24 ही उसने लगा दिया होगा। मैक्सिम बच्चा यही करता है, आपने भी यही किया है ना, ईमानदारी से बताओ, ऐसे नहीं करना था। तो कुछ तो करेंगे ना, कुछ तो अलग करेंगे हम, क्या करेंगे समझो। अगर यहाँ पर 3 है, मैंने एक लाइन खींच दी, तो अब मैं बात जो करूंगा, मैं बात करूंगा इनकी फ्रिक्वेंसी की। मैं सीएफ की बात नहीं कर रहा, एफ आई की बात कर रहा हूं, तो यहाँ पर 3 ही रहेगा। घटाते हुए चलो, 8 में से 3 का यहाँ आएगा 5, 15 में से 8 का यहाँ पे आया 7, 25 में से 15 गया कितना बचता, जल्दी बोलो, 10, और 33 में से 25 गया कितना बचता है, बोलो, 12। कन्फर्म हमेशा नहीं होता है कि लास्ट वाला जो तुक्के में तुमने आंसर दिया वही ठीक होगा, यहाँ पर ऐसा हो रहा है। सबसे ज्यादा नंबर आपको कहाँ देखने को मिलता है, 12, इसकी वजह से आंसर हो रहा है 22 से 44। आंसर वही है, किस्मत अच्छी थी, बच गए तुम। अगर तुमने 22 से 24 दिया है, सॉरी 22 से 24 अगर तुम लोगों ने आंसर दिया क्लास का, और तुमने किसको देख के दिया, 33 को देख के दिया, तो बंटाधार हो जाता तुम लोगों का, भैंस पानी में चली जाती। अगर ये वैल्यू जो है
जो भी आई है इन गिवन चार वैल्यूज से कम आती तो फिर ये क्लास नहीं होती। खैर आप लोगों का काम सीखना है और मेरा काम है सिखाना, और मैं स्टैटिस्टिक्स पर बहुत जल्दी एक कंप्लीट वीडियो लेकर आऊंगा, आप इसको देख के बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, आपको बताना है कि जब इस गिवन एक्सप्रेशन को डिवाइड करते हैं एक्स प्लस टू से तो क्या रिमाइंडर रहेगा। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए डिवाइड करने पे क्या रिमाइंडर रहेगा, तो सीधे सीधे देखो एक्स प्लस टू जिससे भी डिवाइड करना उसके जीरो रख दो बराबर में, उससे आपको एक एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, वो वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दो गिवन इक्वेशन में। -2 की पावर 5, -2 की पावर 4, 3, -2 की पावर 3, -2 की पावर 2, +2 की पावर कुछ नहीं है यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, एक्स की जगह माइनस का 2 आ गया। अब इसको सोल्व करो, 2 की पावर 5 होता है 32, ओड है विषम संख्या है, पावर माइनस ले आएगी, तो यहाँ पे देखो इवन है अगले में, तो इससे जो नंबर निकलेगा वो पॉजिटिव रहेगा। 2 की पावर 4 होता है 16, 16 दूनी 32, तो -32 पे प्लस का ही रहेगा। अब ये दोनों प्लस माइनस है, ये कटेंगे ही कटेंगे, आगे बढ़ते हैं। खैर हम -2 की पावर 3 8 हो गया, माइनस माइनस हो जाएगा फिर से प्लस, 8 तिया कितना हो गया ये बताओ 24, -2 का पावर 2 कितना होता है 4 होता है, 4 लिख लेंगे। माइनस इस वाले माइनस की वजह से माइनस ही रहेगा क्योंकि ये पावर से इवन नंबर आया है, माइनस का है 4 फिर से और माइनस का है 8। 24 में 12 जैसे ही घटाते हैं, 12 नहीं सॉरी 16, ये सब ऐड होके कितना हो जाएंगे 16, और साइन रहेगा कैसा माइनस का। तो जो मिलेगा ना तुमको जो बच गया वही तुम्हारा आंसर है, रिमाइंडर आएगा 8। सेवंथ क्वेश्चन पर आ जाओ, बहुत ही शानदार सवाल है, परसेंटेज का क्वेश्चन लग रहा है देखने पे। एक ऑफिस में 4/7 एम्प्लॉय मैन है, तो अगर मैं बात करूं टोटल टोटल 7 है तो आदमी कितने हुए 4। अब उसके बाद वुमेन क्या लिख सकता हूं मैं, यहाँ पे वुमेन लिख सकता हूँ 3, यहां मैंने लगा दिया रेशो, जरूरत पड़ेगी तो मैं इनमें 0 भी लगाऊंगा। अभी सवाल पढ़ते हैं, बोल रहा है 40% ऑफ मैन 60% ऑफ वुमेन है फोर व्हीलर, तो 40 निकालने के लिए मैंने यहाँ पे इसको 70 बना लिया। अब देखो आदमियों पुरुषों में 40% के पास, तो 40 का 4 40% निकालो 16 हो गया, ये मुंह जबानी आना चाहिए आपको, 40 का 40% ऐसे निकालते हैं ठीक है 16। अब समझो 60% महिलाएं, तो 60% आ गया 18, इनके पास फोर व्हीलर है, 40% पुरुष और एम परसेंट चार पहिया वाहन होने वाली महिलाएं विवाहित हैं। अच्छा जी, अब इसमें विवाहित की कंडीशन जोड़ दी। ओके तो अब देखो क्या करेंगे, हमने क्या किया, हमने परसेंटेज निकाली। अब ये आगे बोलता है 40% पुरुष और एम परसेंट चार पहिया वाहन होने वाली महिलाएं विवाहित हैं, मतलब हमें तो अभी यही पता लगा है कि कितने लोगों में से कितने आदमी थे और कितनी औरतें थीं, उनमें भी हमें ये पता लगा कितने आदमियों के पास फोर व्हीलर था और कितनी औरतों के पास फोर व्हीलर था। बस अब ये पता लग जाए कि कितने फोर व्हीलर वाले क्या हैं, फोर व्हीलर भी प्लस में मैरिड भी, अब चाहे उसने खरीदा हो चाहे उसको मिला हो क्या फर्क पैंदा है। तो जो चार व्हीलर चार पहिए वाली सवारी है और जो मैरिड भी हैं उनमें मेल्स हैं 40%, तो देखो अब 16 का 40% निकालूंगा तो पॉइंट में आएगा, तो अब देखो अपनी सहूलियत पे होती है 0, आप जितनी बार लगाओगे, एक बार में नहीं लगानी होती, ऐसे करके चलना होता है। अब इसका 40% निकाल लो, जब इसका 40% निकलेगा तो कितना आ जाएगा 64, यानी 64 मेल ऐसे हैं जो क्या हैं जल्दी से बोलो, फोर व्हीलर वाले प्लस में मैरिड। लेकिन यही चीज ना वुमेन्स के लिए एम परसेंट है, वुमेन्स के लिए कितने परसेंट है जल्दी बोलो एम परसेंट। लेकिन एक चीज वुमेन्स के लिए क्लियर है कि मैन और वुमेन को जब देखते हैं तो ये पता लगता है कि जितने परसेंट के पास फोर व्हीलर है उनमें से केवल 25% ही विवाहित हैं। मतलब अगर मैं आपको बोलूं कि फोर व्हीलर वाले कितने थे, फोर व्हीलर वाले टोटल जो थे टोटल 180 और 204 160 का सम कर दो, 180 और 160 का सम करो कितना आया जल्दी से बताओ, यह आ गया 340, 340 का 25%,
अब 25% के लिए इसका क्या करो, इसका 25%, 25% की वैल्यू होती है 1/4। तो हमने क्या किया, 1/4 से इसको डिवाइड कर दिया या मल्टीप्लाई कर लिया, कैसे भी समझ लो, 4 8 32 और 4 5 20, यानी 85% ऐसे होंगे टोटल जिसमें मेल भी हैं और कुछ फीमेल हैं, लेकिन सब मिला के जो टोटल आया वो आया जी 85। वो 85 कौन है, जिनके पास फोर व्हीलर है, प्लस में क्या है वो मैरिड, ये गिवन है आपको। अब 85 में 64 तो मेल हैं जो मैरिड हैं, तो फीमेल कितनी होंगी, घटा लो इसको, ये आ गया 21। 21 फीमेल्स हैं जो कैसी हैं जल्दी से बोलो, मैरिड। वो 21 किस में से निकल के आई हैं, फोर व्हीलर वाली परसेंटेज में से, यानी 180 में से। तो हमने क्या किया, आंसर निकालने के लिए 21 अपॉन में 180 किया, इंटू में कर दिया जी 100, जीरो से जीरो कट गई। जब हमने इसको सॉल्व किया तो 3 से काटा, 3 से 6 पे गया, 3 से ये वैल्यू 7 पे गई, 2 से काटा, 2 से ये 3 पे गया, और 2 से ये कितने पे गया, 5 पे, 7 पंजे हुआ जी 35, और 35 को जब 3 से भाग करते हैं तो यही हमारा फाइनल आंसर होता है। ऑप्शन में 11 पॉइंट समथिंग था, 6% मान लेते हैं, ठीक है। ये डी ट्रिपल एस बी में आया हुआ क्वेश्चन है, टीसीएस ने ही पेपर कंडक्ट कराया था। तो जो बच्चे सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं ना, तो वो डीएसएससी वाले पेपर तो जरूर करें। तो आपने क्या सीखा कि जीरो आप ना अपने अकॉर्डिंग लगाएंगे, अगर वैल्यू पॉइंट में आ रही है तो पॉइंट में नहीं लानी है वैल्यू, ठीक है। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क प्राइस दो मोबाइल फोन का 7:5 के रेशियो में था, तो अंकित मूल्य क्या होता है जिसपे तुम मोल भाव करते हो, जो उपभोक्ता का अधिकार है। तो मार्क प्राइस की बात हो रही है, ये पहला मोबाइल है और ये दूसरा, पहले पे 7 रुपये है, दूसरे का 5 रुपये है। एक ने 28 4/7% का डिस्काउंट दिया, ठीक है, यहाँ पे छूट छूट गई है हिंदी में, पहले मोबाइल पर यहाँ पे कुछ होना चाहिए था, यहाँ पे मिसिंग है वैल्यू, तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे लिखेंगे आप 28 सही 4/7, प्रिंटिंग का एरर है यहाँ पे। तो अब 28 सही 4/7 कितना होता है, ये होता है 2/7, ठीक है। कैसे होता है, आपको इतना तो याद होगा, 14:7 आपने पढ़ा था, 1/7 होता है, इसी का डबल तो है ही है। तो अगर मतलब एमपी 7 रुपये है, तो इस पे डिस्काउंट होगा कितने का, 2 रुपये का, तो ये आर्टिकल कितने में बिकेगा, ये आर्टिकल 5 में बिकेगा, 7 का था, 2 की छूट हो गई, 5 में बिक गया। अब देखो हो क्या रहा है, टोटल जो डिस्काउंट था वो 20% था, तो अगर हम टोटल एमआरपी देखते तो टोटल वैल्यू कितनी आती, 12। अब यहाँ पे भी पॉइंट में आएगा 12 का 20%, एक आर्टिकल 5 का, दूसरा मान लो एक पार्लेजी 7 रुपये का, दूसरा पार्लेजी 5 रुपये का, तो 12 रुपये के दोनों पार्लेजी होते हैं, लेकिन 20% का डिस्काउंट भी हो रहा है, टोटल डिस्काउंट। तो क्या करो, फिर से एक जीरो लगा लो, फिर से एक जीरो लगा लो, और जीरो लगाने के लिए ना आपको हर जगह जीरो 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 लगा देगी, कोई परेशानी वाली बात है ही नहीं। अब यहाँ पे टोटल डिस्काउंट बताओ, 20% कैपिटल डी लिख देते हैं, तो कैपिटल डी की वैल्यू 120 का 20% हो गया 24, 24 कम कर लो कितना आ गया 96, 96 रुपये आपने छूट करी है। मान लो 120 रुपये का एमआरपी था, 96 की छूट कर दी, तो मुझे बता सकते हो कि कितने में वो आपने खरीदा होगा या कितने में वो बिका होगा, जल्दी से बताओ, ठीक है। यहाँ पे ये छोटी सी गड़बड़ कर दी मैंने, 96 रुपये यहाँ आएगा और डिस्काउंट हुआ है 24 का, 24 आएगा यहाँ, ये बात 120 का 20% डिस्काउंट है, डिस्काउंट आया 24 रुपये, 24 कम करने पर वो 96 में बिकेगा। अब खुद बताओ एक आर्टिकल कितने में बिक रहा है, 50 में, दोनों मिला के कितने में बिक रहे हैं, 96 में। तो क्या आप ये बता सकते हो कि ये आर्टिकल कितने में बिका होगा, 44 में या 46 में, कितना आएगा, देखो 96 में से 50 को घटाओ 46 आएगा, तो ये 46 में बिका होगा, इसका एमआरपी कितना था, 50। तो बस इतनी सी बात बता दो कि यहां से कितने रुपए आपके कम हुए, आपके कम हुए 4, कितने पे कम हुए, 50 पैसे, इनटू में क्या कर दो 100, 50 दूनी कर दो 100, 8 आ गया, यही आपका नेट डिस्काउंट है जो है D2। ऐसे ही करना है आपको पेपर में, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। नोवा सवाल है, सीजीएल का सवाल है, सीजीएल मेंस में पूछा गया था, मैंने आपको यहाँ पे दिया है क्योंकि प्री में भी आ सकता है ये सवाल, ध्यान से सुन लो।
ए कोई एक ऐसा नंबर है जो कि शुरू होता है एक से, उसके बाद आता है दो, फिर तीन, ये मल्टीप्लाई होते होते 200 तक मल्टीप्लाई होएगा। बी कोई दूसरा नंबर है जिसमें वैल्यू स्टार्ट होती है 201 से, चार ही इसके अंदर वैल्यू है, 202, 203 और 204। अब ऐसा तो है नहीं कि तुम मल्टीप्लाई करके दो नंबर निकालो और फिर एलसीएम लो, भाई ऐसे नहीं करना। बस एलसीएम क्या होता है, हिंट देता हूँ। मान लो एक मैंने लिखा यहाँ पे 6, मैंने लिखा 5, मैंने लिखा 4, 4 की जगह पे लिख देते हैं 9, 7 लिखो। एक नंबर लिखता हूँ मैं 13, एक नंबर लिखता हूँ 5, एक नंबर लिखता हूँ 6, एक नंबर लिखता हूँ मैं 17। क्या आप मुझे इन दोनों का एलसीएम बता सकते हो? अगर आप इन दोनों का एलसीएम बता सकते हो तो आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे, 9th क्वेश्चन को। ये हलवा सवाल है आपके लिए। मैं बताता हूँ क्या करेंगे। देखो इसमें देखो क्या क्या है, 6 5 7 सब आ जाएगा। 6 5 7 में से क्या इसमें कोई रिपीट है? बिल्कुल, 5 भी है और 6 भी है, तो उसको नहीं लिखेंगे, छोड़ देंगे। क्या बच गया, 13 और 17, दोनों प्राइम नंबर है तो लिख लिया मैंने प्राइम नंबर 13 और 17, नहीं तो उनका कॉमन नंबर लिखता मैं। इस तरीके से एलसीएम लेते हैं। तो देखो ए से लेके बी तक जो भी टोटल निकलेगा दोनों नंबर का, बड़ा गंदा नंबर आने वाला है। फिर क्या करें, बस ये देखें बी में 4 नंबर है तो बी को ही देख लेते हैं, 2 और 1 3। पहले देखो 201 को, 201 3 से कटता है तो 3 से कितने पे गया, 67। अब 67 और 3 ध्यान से समझना, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं मैथमेटिकल फॉर्म में कि जो 3 और 67 हैं दोनों ही ए के अंदर आते हैं, यानी वो ए का पार्ट है। बोलो दोनों ही किसका पार्ट है, ए का। तो ए बिलोंग्स टू 3 और 67, या 3 और 67 बिलोंग्स टू ए। दूसरा नंबर है मेरे पास 202, 202 को देखता हूं तो ये 2 into 101, 2 भी आता है, देखो ये रहा 2, और 101 एक से 200 तक की गिनती के बीच में आ ही जाएगा। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये जो नंबर था ये भी ई ई टाइप बनाते हैं, इसका मतलब होता है बिलोंग टू, ये भी किससे रिलेटेड है, ए से रिलेटेड है। अगला नंबर देखो 203, फिर अगला नंबर देखो 204। पहले 204 को देख लो, 4 से अगर तुम इसको भाग करते हो तो 51, 4 भी किसमें आएगा, ए के अंदर आएगा, और 51 भी किसके अंदर आएगा, ए के अंदर आएगा। तो ये भी किससे रिलेटेड हुआ, ए से रिलेटेड हुआ। अब बचता है 203, तो 203 किससे कटेगा, देखो एक बार, ये कटेगा 29 से, 29 से, क्योंकि 29 सत्ते होते हैं 203। अब 7 और 29 दोनों ही किसका पार्ट है, ए का पार्ट है। अब ये वही बच्चा कर सकता था पेपर में जिसको 30 तक पहाड़े याद हो, इसलिए हम कहते हैं हमेशा पहाड़े याद करो। तो देखो चाहे वो 201 हो, 202 हो, 203 हो, 204 हो, ये सारे नंबर किसके अंदर आते हैं, ये सारे के सारे नंबर आते हैं भाई ए के अंदर। तो हम ये कहेंगे कि इसमें तो सारे नंबर वही हैं जो ए वाले नंबर हैं, क्योंकि मैं बी को अब अगर लिखना भी चाहूँ तो मैं बी को कैसे लिख सकता हूँ। 201 को लिखूंगा मैं 3 into 67, 202 को 2 into 101, 203 को मैंने लिख दिया 29 into 7, और 204 को मैं लिख रहा हूँ 4 into 51। सारे नंबर यूनिक हैं, एक से लेके 200 तक की गिनती में 3 भी आता है, 4 भी आता है, 2 भी आता है, 67 भी आएगा, 101 भी आएगा, 29 भी आएगा, 7 भी आएगा और 51 भी आएगा। सारे नंबर अलग अलग हैं, कोई भी नंबर रिपीट नहीं लिखा है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो बी है, बी इज सबसेट ऑफ ए। ठीक है, बी इज सबसेट ऑफ ए। अगर हम ये बात बोलते हैं कि बी के सारे एलिमेंट वही हैं जो ए के एलिमेंट हैं, तो हम निकालना चाह रहे हैं इनका एलसीएम, तो एलसीएम जो होगा ए और बी का वो होगा केवल ए, क्योंकि ए के जितना भी ए का जो भी एलसीएम वैल्यू बनेगी वो ए ही रहने वाला है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, बहुत ही शानदार सवाल है ये भी, और ये एसएससी के सीजीएल के अंदर पूछा गया सवाल मैंने आपको दिया है। 2022 में इसके आने के बहुत बहुत चांसेस हैं। क्वेश्चन रेशो प्रोपोर्शन से है, एक्स प्लस वाई माइनस जेड रेशो वाई माइनस जेड प्लस 2W रेशो 2X प्लस जेड माइनस W 2 रेशो 3 रेशो 1 है।
आपको ये गिवन रेशियो की वैल्यू बतानी है। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा आप इसमें अपना माइंड का प्रयोग करें और इसका उत्तर देने की कोशिश करें जल्दी से। आपको 3W बनाना है, कैसे आप बनाएंगे आपको बस ये सोचना है, और आपको 5W में से 3X को घटाना भी है। भाई बहुत ही शानदार सवाल है ये। देखो अगर मैं बोलूं कि ये 2 है और 1 है और इन दोनों को जोड़कर क्या 3 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। 2 और 1 को जोड़ते हैं तो 3 ही आता है। तो 2 कौन था? 2 था x+y-z, और 1 कौन है? 1 है जी लास्ट वाला मेरे पास, 2x+z-w। इन दोनों को मैंने जोड़ा तो कितना आ गया? 3। और वो 3 किसके बराबर होगा फिर? y-z+2w के बराबर। बोलो अब देखो x और x कितना हो गया? 3x आ गया, 3x। उसके बाद मेरे पास है y, प्लस का y, z से z कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, और क्या बचेगा? माइनस का w। ये जो वैल्यू आई, ये वैल्यू आई y-z+2w के बराबर। बोलो इतनी बात समझ में आती है? अब y इधर भी है और y उधर भी है, तो मैथ्स आपको न्याय करना सिखाता है। दोनों साइड आप उसको काट देंगे तो लिखेंगे 3x-w=2w-z। अब हम ये कह सकते हैं कि जो 3w, ये w उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो हमारे पास चीजें बनती चली जा रही हैं। 3w=3x+z। तो अब देखो यहां से अगर जो मुझे निकालना था, जो मुझे निकालना है, अगर मैं उसमें से माइनस का साइन कॉमन ले लूं, तो यहाँ पे माइनस का साइन जैसे ही कॉमन आएगा बीच में यहाँ पे प्लस हो जाएगा। बोलो यही बात, यही वैल्यू बनेगी, और तो कुछ हो नहीं सकता। बिल्कुल एग्जैक्टली यही चीज होने वाली है। रेशियो मुझे इसी का बताना था, तो 5W अपनी जगह पर रहेगा, माइनस 3x+z की वैल्यू आ गई 3W। रेशियो क्या है? 3W। सब कुछ W में आ चुका है, 5 में से 3 क्या बचता है? 2, और W कटने के बाद जो बचेगा वो बचेगा 2:3। शानदार सा सवाल, शानदार सा जवाब। तो कैसी लगी आपको ये क्लास? कमेंट जरूर कीजिए। पहली बार चैनल पर आए हैं तो लाइक जरूर कीजिए वीडियो को, दोस्तों को बताइए। आप केवल बस इतना बताइए, जो भी नीडी पर्सन है, आपका कोई दोस्त तैयारी करना चाह रहा है, बस उसको एक नाम सजेस्ट कर दीजिए कि एडोलॉजी यूट्यूब चैनल है, संजय खान सर हैं और एक्स फैकल्टी हैं, जो भारत के जितने भी संस्थान हैं इस समय मौजूद, जहाँ पे ठीक ठीक आप देखते हैं उनकी वीडियोस या बच्चे वहाँ पर आते हैं, तो सीनियर फैकल्टी हैं, आपको बहुत ही बेहतरीन मैथ्स पढ़ाएंगे और आपका सिलेक्शन सुनिश्चित कराएंगे। तो इसी बातचीत के साथ आपसे मैं अलविदा लेता हूँ आज की इस क्लास में। अब मुलाकात होगी आपसे अगली क्लास में। जब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।